हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी हम साड़ी पर फॉल लगा रहे हैं। तो कोई भी साड़ी पर फॉल लगाने से पहले फॉल को अच्छी तरह खींच करके सीधा कर लीजिए और उसके बाद फॉल लगाइए। तो पहले किनारे से ही फॉल लगाना शुरू किया जाता है। ऊपर में महीन महीन टोक मारना होता है और नीचे में थोड़ा उसे बड़ा। देखिए इस तरह से हमने किनारे में सुई से टक लगाया है। अब हम ऊपर में तो लग चुका है, सॉरी नीचे साइड में। अब ऊपर में हम इस तरह से पहले सीट लेंगे फॉल को, बराबर से बराबर जगह में रख करके, और उसके बाद पिन लगा देंगे। सीट सीट करके पिन लगा देंगे या आप धागा से गूल भी सकते हैं। जब गूला गूल दीजिएगा तो आसानी से आपको प्रेस करने में बनेगा। तो सुई में धागा लगाइए और ऊपर साइड में छोटा छोटा में ही टांक लगाइए। देखिए किस तरह से हमने टांक लगाया है। तो ऐसे सीट सीट करके हम साड़ी में फॉल लगाएंगे और महीन महीन टाका लगाएंगे ताकि ऊपर से दिखे नहीं। सीटते हुए फल को यहाँ पर धागा खत्म हो चुका है तो इसको हम गांठ लगा देंगे और फिर सुई में दूसरा धागा डाल करके आगे का सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हमने दूसरा धागा लगाया और फल लगाने की शुरुआत की है। कोई भी साड़ी में बिना फॉल के तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये बनारसी साड़ी है। नीचे में इसका पार फिरोजी है, इसलिए हमने फिरोजी फॉल लिया है और इस तरह से इसमें टाक लगा लिए। ज़्यादातर शिफॉन साड़ी में फॉल लगाने में दिक्कत होती है, नहीं तो ना कॉटन में दिक्कत होती है और ना आपको ये जो बनारसी होगा या मोटा वाला कोई भी साड़ी होगा, करक साड़ी होगा, वो सब में आपको फॉल लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। शिफॉन पतला रहता है, हल्का रहता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही इधर उधर खींचता है, इसलिए फॉल लगाने में दिक्कत होती है। तो पूरी साड़ी में हमारा फॉल लग चुका है बहुत ही अच्छा से, कहीं भी कोई तरह का सिकुड़न सिलन नहीं है। तो शिफॉन साड़ी में भी आपको फॉल लगाने का एक अलग तरीका होता है, उसे कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको आसानी से फॉल लग जाएगा। तो दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना सहयोग प्यार देते रहिएगा, यही आप लोग से कहना है। बाय बाय।